क्वेश्चन नंबर टू एंड द क्वेश्चन इज इफ ए बाय बी प्लस बी बाय ए इक्वल टू माइनस वन देन फाइंड ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी स्क्वायर बाय ए। और ये आपके पास ऑप्शन है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, आपको ये कहा जा रहा है कि ए बाय बी प्लस बी बाय ए इक्वल टू क्या है आपका माइनस, इक्वल टू क्या है आपका माइनस। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी ठीक है। तो बी से भी कट जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए से ही कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन। तो कैन आई से दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। इट इम्प्लाइज वॉट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस यहाँ आके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। तो आपके पास एक वैल्यू आ गई दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। जो गिवन कंडीशन है वहां से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू है ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ओके नाउ ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी स्क्वायर बाय ए। जब आप एलसीएम लोगे, जब आप एलसीएम लोगे व्हाट वी विल हैव, आपका एलसीएम आ जाएगा ए बी, ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका ए बी। अब देखो ये वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके, ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। और ये हमारा किसके इक्वल आया था, ये हमारा इक्वल आया था जीरो, इक्वल आया था जीरो। कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू जीरो डिवाइडेड बाय ए बी एंड फाइनली इट विल बी इक्वल टू जीरो, इट विल बी इक्वल टू जीरो एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इज इट क्लियर? ठीक है।